आपका बैलेंस 60,000। वो पैसे तो भेज दिया, 1,000 बैलेंस। बॉस ने बोला नहीं मिला जी। जी आपके 600 पुराने बैलेंस हैं, सिर्फ 500 बाकी हैं। क्या मुसीबत। इस मुसीबत का हल है सिर्फ खाता बुक ऐप, जो करे आपके सारे हिसाब किताब आसान। अब खाता हुआ खाता बुक। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। चीन का वुहान शहर, यहाँ से कोरोना वायरस के फैलने की शुरुआत हुई। अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से करीब 70,000 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, करीब 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से बचाव करना वुहान के लिए चुनौती बना हुआ है, इसलिए वुहान में लगातार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, इसमें एक नियम तो बहुत कड़ा है। कहा जा रहा है कि अगर वुहान के किसी नागरिक में कोरोना वायरस के लक्षण मिलते हैं और वह डॉक्टर को दिखाने में देरी करता है तो उसे इलाज तो मिल जाएगा, लेकिन साथ ही जुर्माना भी लगेगा। सही सुना आपने, इलाज में देरी करने पर जुर्माना लगेगा। कोरोना और चीन से जुड़ी एक और खबर है। मुंबई के रहने वाली एक महिला रीता मेहरा का शव चीन से इंडिया नहीं आ पा रहा है। पेशे से डॉक्टर, उनके बेटे ने अब पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। रीता मेहरा मुंबई की रहने वाली थी, वो अपने बेटे पुनीत मेहरा के साथ ऑस्ट्रेलिया से भारत आ रही थी बीजिंग के रास्ते। बेटे ने बताया कि वो फ्लाइट में टॉयलेट के लिए गई थी, लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दरवाज़ा खोला तो देखा माँ टॉयलेट में बेहोश पड़ी थी। विमान में सफ़र कर रहे एक डॉक्टर और नर्स ने उन्हें देखा। फिर चीन के झेंगझू एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयरपोर्ट पर उतारे जाने के बाद डॉक्टरों ने माँ को डेड घोषित कर दिया। डॉक्टर पुनीत इसके बाद चीन में कुछ दिन रुके, फिर भारत लौट आए। वजह उनकी पत्नी की डिलीवरी का समय नज़दीक था, फिर कोरोना वायरस का भी डर था। डॉक्टर पुनीत का कहना है कि चीन में कई भारतीय फंसे हैं, सुना है उन्हें वापस लाने के लिए विशेष विमान जाने वाला है, उस विमान से मेरी मां का शव भी लाया जा सकता है। हम पीएम मोदी और सरकार से अपील करते हैं कि मां का शव लाने में हमारी मदद करें। तो देखने वाला होगा कि डॉक्टर पुनीत की कोई मदद होती है या नहीं। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।